नवरात्रि का पहला दिन है। बहुत लोग अपने घरों में माता रानी की पूजा करेंगे, कलश स्थापित करेंगे, करना चाहिए, करो। माँ भगवती की आराधना करना चाहिए, करो। दीपक जलाओ, माँ भगवती का पूजन करो, लक्ष्मी माँ का पूजन करो, दुर्गा माँ का पूजन करो, श्री राधा रानी का पूजन करो, करो पूजन। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना कि क्या आपकी माँ, क्या वो देवी नहीं है? यदि नवरात्रियों में देवी की पूजा होती है तो बताओ पहली वो कौन सी देवी है जो उस नवरात्रि में पूजने के योग्य है। आप माटी की दुर्गा जी लाते हो, जब साक्षात दुर्गा तुम्हारे घर में है तो माटी की दुर्गा की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी माँ साक्षात दुर्गा नहीं है? क्या साक्षात भगवती नहीं है? जिसके घर माँ ना हो वो माटी की दुर्गा ले आए, ठीक है, पर तुम्हारे घर तो साक्षात माँ है। नवरात्रि आई तो तुमने जय माता दी की, करो, बुराई नहीं है। पर जो तुम्हारी अपनी माँ है, क्या उसके चरण धोकर तुमने पिए? क्या उसके चरणों में पुष्प चढ़ाए? क्या हाथ जोड़ करके कहा कि माँ तुम ही मेरी सब कुछ हो? क्या उस माँ को तुमने कभी प्यार से उस माँ की सेवा की, संतुष्ट किया, खुश किया? कहावत है हमारे गांव में, कहावत बोली जाती थी, वो कहावत बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के बनाई, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं, घर के देव ललाएं बाहर के पूजा मांगें। क्या मतलब है इस कहावत का भैया, बताओ क्या मतलब है इसका? कि घर के देव ललाएं, ललाएं मतलब तरसें, ललाएं मतलब समझते हैं, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं। ये भैया बताएंगे मूछों वाले, इस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? ये भैया पता है नहीं? आप भैया नहीं, आप बताओ, घर के देव ललाएं बाहर के लड़ुआ खाएं, या फिर इसको इस तरह से भी बोलते हैं, घर के देव ललाएं बाहर के पूजा मांगे, क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारी सगी माता बेचारी भूखी प्यासी है और तुम बाहर मंदिरों में जाके लड़ुआ का भोग लगा रहे हो, जो नहीं खा रहे हैं उन्हें खवा रहे हो और जो खाने को तैयार हैं उन्हें दे नहीं रहे हो। जो नहीं खा रहे हैं उनको तो दे रहे हैं और जो खा रहे हैं उन्हें बासी रोटी नसीब नहीं हो रही है। अभी एक माता आई, अभी दो दिन पहले उन्होंने बताया कि मेरे बेटे बहू ने 10 दिन तक मुझे घर में खाना नहीं दिया, अपनी सगी माँ को बेटे बहू ने भोजन नहीं दिया, पूछा नहीं। फिर वो माता 10 दिन कुछ नहीं दिया उसे, बेचारी बाहर मांग कर खाई और बाद में गौरी गोपाल आई, यहां माता की सेवा हो रही है। अब बताओ, नवरात्रि आ रही है कल, हम तो इन वृद्ध माओं की ही सेवा करते हैं, दुर्गा काली महाकाली मान करके कि जो है यही है, इन्हीं की आरती इन्हीं की पूजा, क्योंकि वो माँ भगवती जब दुर्गा मैया कभी प्रसन्न होगी मेरे ऊपर ना, तो इन माओ की सेवा के बल पर ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये माँ है, ये माँ है वो माँ जिस माँ ने हमारे और आपके लालन पालन किया है। इसलिए पूजा करो, मंदिर जाओ, मनाही नहीं है, माँ की पूजा होनी चाहिए, पर उस माँ की भी तो पूजा होनी चाहिए ना जो आपकी माँ है। भगवान
आजकल ना लोगों ने सब परिभाषाएं बदल दी, मनमुखी काम चल रहा है, जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। रियलिटी से, सच्चाई से लोगों को कोई मतलब नहीं। जो जिसका धर्म है बस वो अपने धर्म का आचरण ना करके बाकी सब कर रहा है। मनमुखी, मनमानी और मनमाना आचरण आपको कभी सुख नहीं देगा। इसलिए आज समाज में सुख नहीं है, पहले ज्यादा सुख था, पहले ज्यादा पैसा कम था, पहले सुख ज्यादा था, संतुष्टि ज्यादा थी। इसलिए दो चीजें त्याग दीजिए, पहला छल, दूसरा कपट। जिस दिन ये त्याग देंगे भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे।